गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल योर क्लासेस गाइज. हमारी किरण बुक की सीरीज चल रही है एंड उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कॉमन एरर्स एंड टुडे इज डे 30 ऑफ कॉमन एरर्स. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन. पहले ये जान लीजिए कि कल हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 380 तक. 380 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं सेशन में आपके साथ. तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन छूटा है या कोई पहली बार मेरे सेशन में आ रहा है तो आप जाइएगा चैनल पे एंड एक बार सेशंस देखकर क्विकली एक बार सारे आप कंसेप्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉमन एरर से आपकी पूरी की पूरी ग्रामर प्रिपेयर होती है. जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन क्वेश्चंस में आते हैं. तो हर दिन आपको क्लास करना इसलिए इंपॉर्टेंट है अगर क्योंकि आपने सारे क्वेश्चंस किरण के सॉल्व कर लिए हैं कॉमन एरर्स के, तो आपकी ये कंप्लीट ग्रामर की प्रिपरेशन हो रही है प्लस रिवीजन हो रहा है. ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेशंस हैं क्योंकि इसमें आप खुद को मार्क्स देंगे, आप खुद की प्रोग्रेस जज करेंगे एंड मुझे भी ऑब्वियसली बताएंगे, जिससे मुझे भी पता चले कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं. तो आप अपनी प्रोग्रेस जज करेंगे एंड डेली मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या आपका स्कोर रहा है एंड खुद भी देखेंगे किस तरीके से डे बाय डे आपका स्कोर इन्हांस हो रहा है. तो फिर रूल्स क्या हैं जान लीजिए. फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको देना है क्या, खुद को आपको देने हैं 2 मार्क्स. फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू हैव टू गिव योरसेल्फ 2 मार्क्स एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर यू हैव टू डिडक्ट 1 मार्क. हर इनकरेक्ट के लिए आपको डिडक्ट करने हैं अपने 1 मार्क्स. तो मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है. स्टार्टिंग के सेशंस में मैंने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी थी क्योंकि हमने तुरंत ही स्टार्ट किया था, लेकिन अब मेरे स्टूडेंट्स हो गए हैं, काफ़ी अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं बहुत ही अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं. आंसर बहुत अच्छे आप कर रहे हैं. सारे कमेंट्स मैं देखती हूँ. कुछ लोग को लगता है कि मैम कमेंट नहीं देख रही है, लेकिन मैं खोल के सारे कमेंट्स देखती हूँ. मुझे पता भी है मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स कौन से हैं. सो बक अप एंड तैयार हो जाइए आज के सेशन में आंसर करने के लिए. हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 10 सेकेंड्स मिलेंगे. कीप दिस इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़. चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. 381 says I had a test in mathematics today morning. 10 seconds ke andar jaldi se answer bataiye. Jaldi se, I had a test in mathematics today morning. Kya hoga answer? 10 seconds to ho chuke hain bhai, answer aaya nahi hai abhi. Jaldi se. तो देखिए गाइस, जब भी हम किसी टॉपिक की बात करते हैं, आई हैड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स, हमारा टेस्ट था मैथमेटिक्स का, तो हमेशा हम प्रीपोजिशन याद रखिएगा ऑन यूज़ करते हैं. बहुत ही सिंपल तरीके से आपको रूल बता रही हूँ. जब भी किसी टॉपिक की बात आती है तो हमेशा हम ऑन यूज़ करते हैं. टेस्ट ऑन मैथमेटिक्स, बुक ऑन फिजियोलॉजी, है ना, इस क्लास ऑन ज्योग्राफी, ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं. तो अगर किसी सब्जेक्ट या टॉपिक की बात हो रही है तो ऑन आएगा. आई हैड अ टेस्ट ऑन मैथमेटिक्स टुडे मॉर्निंग. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है. अगर आपने यही आंसर दिया था तो फटाफट से आपको देना है खुद को +2 सही आंसर पे. अगर आपने नहीं दिया था तो -1 लिख लीजिएगा. गलत अगर आंसर दिया था तो, नहीं दिया था तो फिर 0, कोई बात ही नहीं. ठीक है, आंसर कोशिश करिए कि आंसर ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ खुद की प्रिपरेशन जज करनी है, अपनी नॉलेज जज करनी है, तो हर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए. अब 382 देखिए. अ गर्ल मस्ट बी ग्रेशियस इफ शी विशेस टू बी अ बैलरीना. जल्दी से, अ गर्ल मस्ट बी ग्रेशियस इफ शी विशेस टू बी अ बैलरीना. जल्दी से बताइए. टेन सेकेंड्स हो चुके हैं. क्या है आंसर? पूरा स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है इसमें. किसी को कोई मिस्टेक लग रही है तो बताइए. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. नो एरर इज द आंसर. ऑप्शन नंबर 4 देने वाले हो, बढ़ा लो, +2 कर लीजिए अपने स्कोर में. ठीक है, गलत दिया है तो -1, सही दिया था तो +2. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. 383 क्या बोल रहा है. इन अ वेरी हार्श टोन He shouted at his servants and told them that he does not need their services. जल्दी से बताइए, जल्दी से ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए. एरर बहुत ईजी है, प्रैक्टिस डेली बेसिस पे आपकी होती जा रही है, आपके रूल्स रिवाइज होते जा रहे हैं, आपको नए रूल्स कुछ ना कुछ तो हर सेशन में सीखने को मिलते ही हैं. सो बी देयर एवरी डे एट 4:30 PM. शॉप. अब इसमें क्या एरर है,
पूरा स्टेटमेंट ये कौन से टेंस में है, ध्यान से देखिए, मेन क्लॉज किस टेंस में है, ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट्स, पास्ट टेंस में है कि नहीं, तो यहाँ पर ही डज नॉट क्यों लिखा है, पास्ट टेंस में है तो क्या आना चाहिए, ही डिड नॉट नीड, है ना, पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में तो डिड आता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 होगा सही जवाब, 3 अगर दिया है तो कर लीजिए अपना स्कोर अपडेट, +2 ऐड कर लीजिए, गलत हो गया था कोई बात नहीं, -1 करिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 384, द कमिटी इज थिंकिंग नॉट टू ब्रिंग अराउंड एनी चेंज इन द बेसिक फ्यूचर, क्या होगा आंसर, 384 बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए, टेन सेकेंड्स हो चुके हैं ऑलरेडी। गाइज एक फ्रेज होता है हमारा ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट एक फ्रेज होता है जिसका मतलब है कुछ होना, कुछ होना या कुछ करना, उसको हम बोलते हैं ब्रिंग अबाउट। द कमिटी इज थिंकिंग नॉट टू ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब क्या है कि कंपनी कोई भी चेंज लाने की बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी किसी भी तरह का चेंज लाने की नहीं सोच रही है, ठीक है। सो ब्रिंग अबाउट इज द करेक्ट फ्रेजल वेव, जिसका मतलब होता है किसी चीज का होना, है ना, तो ब्रिंग अबाउट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 2 सही जवाब है, अगर 2 दिया है तो 2 ही स्कोर ऐड कर लीजिएगा, +2 कर लीजिएगा अपना स्कोर, गलत दिया था तो -1 कर लीजिएगा, नहीं दिया था तो कोई बात नहीं। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 385 सेज द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम टू पे अटेंशन ऑन सच सिंपल मैटर्स, चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम टू पे अटेंशन ऑन सच सिंपल मैटर्स, 10 सेकेंड होने वाले हैं एंड द टाइम इज अप, क्या आंसर आए हैं आपके, चलिए देखते हैं सही है आए हैं या गलत आए हैं। द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम टू पे अटेंशन ऑन सच सिंपल मैटर्स, पे अटेंशन मतलब क्या, सेंस क्या निकल रहा है कि चीफ मिनिस्टर के पास समय नहीं है छोटे सिंपल मैटर्स पे ध्यान देने का। अब ध्यान देने का, जब हम मैंने ध्यान देना बोला तो ध्यान देने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू पे अटेंशन टू, पे अटेंशन टू बोला जाता है। द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम टू पे अटेंशन टू सच सिंपल मैटर्स, ध्यान देना मतलब पे अटेंशन टू, हमेशा पे अटेंशन टू लगता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 में एरर है, ठीक, तो 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 3 अगर दिया है तो +2 कर लीजिएगा, गलत हो गया था तो कोई बात नहीं, -1 कर लीजिए, अगला आप सही दे दीजिएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 386, इट वॉज फॉर्चुनेट ऑल ऑफ द इनमेट्स एस्केप्ड फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर, इट वॉज फॉर्चुनेट दैट ऑल ऑफ द इनमेट्स एस्केप्ड फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर, जल्दी से बताइए, इसको तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है, क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट लग रहा है, इसकी मीनिंग ही कंप्लीट नहीं लग रही है, तो अगर आप स्पोकन इंग्लिश भी अगर आप बोलते भी रहते हो इंग्लिश तो ही ये देख के समझ में आ रहा है, इट वॉज फॉर्चुनेट के बाद दैट लगेगा, है ना, इट वॉज फॉर्चुनेट दैट ऑल द इनमेट्स एस्केप्ड इन द राइट यूसेज, ऐसे कोई सेंस बन रहा था बिना दैट के, नहीं बन रहा था, दैट लगेगा तभी कंप्लीट सेंस बन रहा है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑल के पहले दैट लगा देंगे, इट वॉज फॉर्चुनेट दैट ऑल ऑफ द इनमेट्स एस्केप्ड फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर, ये तो शुक्र था कि सारे के सारे बंदी ब्लेजिंग फायर या मतलब जलती हुई आग से भाग निकले थे, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, सही आंसर दिया था तो स्कोर अपडेट कर लीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 387, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, जल्दी से बताइएगा आंसर, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स,
अब गाइस ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग को यहाँ पर सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग एक ही एक्शन है। मतलब ड्रिंक एंड ड्राइव ये एक चीज़ की तरह कंसिडर किया जाता है, पी के गाड़ी चलाना ये एक चीज़ की तरह कंसिडर किया जाता है, एक एक्शन की तरह, है ना। कुछ अल्कोहल पी के गाड़ी चलाना ये एज अ सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। सो द वर्ब यूज शुड बी सिंगुलर। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, है ना। आर की जगह लगेगा इज, तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। टू है हमारा सही जवाब। सही देने वाले ऐड कर लेंगे अपने स्कोर में प्लस टू, गलत देने वाले रिड्यूस कर लीजिए माइनस वन, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 388। 388 सेज दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड। 388 का आंसर बताइए। अभी कल ही आया था इस पे क्वेश्चन, इस कंसेप्ट पे बहुत बड़ा हिंट मैंने दिया है। ये कंसेप्ट हमने कल ही अके सेशन में अभी किया है डिस्कस। जब भी कोई ऐसी प्लेस की, खाली प्लेस की बात होती है जो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, अब एम्प्टी प्लेस है, एम्प्टी स्पेस विच कैन बी ऑक्यूपाइड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, उसके लिए हम रूम वर्ड यूज़ करते हैं गाइस। कल ही मैंने अभी बताया है ये चीज़, है ना। अ प्लेस विच कैन बी ऑक्यूपाइड, अ वेकेंट प्लेस या स्पेस विच कैन बी ऑक्यूपाइड, उसके लिए हम रूम यूज़ करते हैं। दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज नो रूम इनसाइड, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। थ्री आंसर देने वाले प्लस टू ऐड कर लेंगे, एंड गलत हो गया है तो कोई बात नहीं माइनस वन कर लीजिएगा। स्कोर्स में गाइज बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, एंड अपने स्कोर मुझे लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 389। ही इज़ हैविंग मेनी फ्रेंड्स हेयर। जल्दी से बताइए 389 का। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइए आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या एरर होनी चाहिए। गाइज याद रखिएगा, हैव को हम कभी भी आईएनजी में यूज नहीं करते हैं। हैव को जब भी पोजेशन के केस में यूज होता है तो हैव को आईएनजी यूज हम नहीं करते हैं। सिर्फ आईएनजी फॉर्म में तब यूज होता है या तो हम कुछ खाने की बात करें। सपोज मैं बोल रही हूँ आई एम हैविंग माई लंच, आई एम हैविंग माई डिनर, तो उस केस में हैविंग इज करेक्ट, खाने के केस में करेक्ट, एंड हैविंग फन इस केस में करेक्ट है। पोजेशन के केस में हैविंग कभी यूज नहीं होता है। सो हैविंग यूज नहीं होगा, यू कैन राइट हैविंग की जगह पे यू कैन राइट मेकिंग। सो ही इज मेकिंग मेनी फ्रेंड्स हेयर, वो यहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स बना रहा है। ही इज मेकिंग मेनी फ्रेंड्स हेयर, ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिएगा कमेंट करके। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 390 बोल रहा है लुक, वाई वेट, 390 सेज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन। ये भी पढ़ के ही समझ में आ रहा है कहाँ गलती है, जल्दी से बताइए। 10 सेकेंड भी नहीं लगने चाहिए, सिर्फ 2 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन, क्या ऐसे कंप्लीट लग रहा है ये स्टेटमेंट? किस तरीके से इनकम्प्लीट लग रहा है? क्या होना चाहिए यहां पर? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। इसके पहले जब तक कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा कैसे समझ में आएगा? सब्जेक्ट तो आना चाहिए ना। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन। फॉरवर्ड टू के बाद गाइज हमेशा आईएनजी फॉर्म लगता है। सो मीट अगर आप बता रहे हैं तो वो गलत है, मीटिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अगर फॉरवर्ड टू आ रहा है फ्रेज तो उसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ लगता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, एरर लाइज इन पार्ट वन। सो पार्ट वन इज द ऑप्शन, वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 390 का है ऑप्शन नंबर वन। स्कोर अकॉर्डिंगली अपडेट करिए एंड फिर मुझे बताइए फटाफट से आउट ऑफ 20 आपका क्या स्कोर रहा है। गाइस किसी रीजन से आज छोटी क्लास हुई है, आउट ऑफ 20 क्या स्कोर रहा है आपका जल्दी से बताइए। अपने स्कोर सारे स्टूडेंट्स बताएंगे मुझे जल्दी जल्दी। एंड गाइज डेली आपको 4:30
PM पे मेरे साथ जुड़ना है सेशन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, किरण बुक सॉल्व हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि कोई और टॉपिक मुझे स्टार्ट करना चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आपके सजेशन सराखों पे बताइएगा मुझे अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है। बाकी घर बैठ के प्रैक्टिस करने के लिए द बेस्ट वे इज़ डिजी बुक। आपको क्या करना है, अभी सेशन देखिए, फिर जाइएगा प्ले स्टोर पे एंड सर्च फॉर योर क्लासेस ऐप, आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो जाके इंस्टॉल करिएगा, रिव्यूज़ देखिएगा वहाँ पर। योर क्लासेस ऐप के अंदर आपको मिलने वाली है डिजी बुक्स, आप उसके रिव्यूज़ देख कर ही आपको समझ में आ जाएगा द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिजी बुक्स एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ प्रैक्टिसिंग। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करिए घर पर बैठ के, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस फॉर द सेल्फ प्रैक्टिस एट होम। तो टाइम वेस्ट मत करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आप बाय 10 कोड यूज़ कर ले रहे हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है इस टाइम, सो डोंट मिस द चांस एंड गो फॉर इट। ठीक है, जो आपको चेंज लगे, आपको अपनी प्रैक्टिस में जो इम्प्रूवमेंट दिखेगा या जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी रिव्यू होगा आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, बट इट इज़ अ गारंटी कि पॉजिटिव ही रिव्यू होगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।